ग्रेट वर्क छोटे जमा साहब, ग्रेट स्पीच मोहम्मद अनस, इंशाल्लाह यू विल बी द नेक्स्ट मुनव्वर जमा फॉर द फ्यूचर। मैं नहीं बन सकता हूँ मुनव्वर जमा, और मुझसे पूछो तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरा मुनव्वर जमा बन सकता है, मैं भी नहीं। तो स्टेज के ऊपर मुझे कुछ बात करनी थी एंड आई वॉज फम्बलिंग, मैं जो है बोल नहीं पा रहा था, फिलर वर्ड्स जो है मैं कर रहा था स्टेज के ऊपर। तब जमा सर ने कड़क आवाज में जो है मुझे चिल्ला कर सबके सामने स्टेज के ऊपर कहा कि ऐसे बनोगे तुम मोटिवेशनल स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोग ने मेरी वीडियो का थंबनेल और टाइटल और वीडियो के शुरू में कुछ हाइलाइट्स देखकर आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, जी हाँ, और ये बात सच है कि मैं मुनव्वर जमा नहीं बनना चाहता। आखिर ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, तो सुनिए। फिलहाल कुछ ही दिनों पहले मुनव्वर जमा सर ने अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट पर जो है मेरी मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड की थी। जो स्पीचेस मैंने उनके वर्कशॉप में जाकर डिलीवर किए थे वो वीडियोस उन्होंने अपलोड किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे लोगों ने वीडियो को देखा, वीडियोस वायरल भी हुई और लोगों ने कई सारा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा मेरी हिम्मत अफजाई की, हौसला अफजाई की, उसके लिए जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसमें से अगर मैं देखूँ तो ज़्यादा तादाद कुछ कॉमेंट्स की है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ही अनस भाई, आप ही है मुनव्वर जमा, आप ही है फ्यूचर के मुनव्वर जमा। तो ये मैं बात जो है बस ऐसे ही नहीं बता रही, ये कमेंट्स एडिटेड कमेंट्स नहीं है, आप उनके वीडियोस के रियल में नीचे जाकर कमेंट्स दे सकते हैं। अभी जो मैं आपको कमेंट्स कुछ शो करूंगा स्क्रीन के ऊपर, ये रियल कमेंट्स जो है लोगों ने किए हुए, तो वो कमेंट्स कुछ ऐसे है। एक मेरी बहन कह रही है कि माशाल्लाह सेम टू सेम मुनव्वर जमा सर, जज़ाकअल्लाह खैर, माशाल्लाह सो मच कॉन्फिडेंस इन हिज बॉडी लैंग्वेज, माशाल्लाह। कह रहे हैं कि मुनव्वर जमा सर की झलक नज़र आ रही है आपकी स्पीच में, ग्रेट स्पीच मोहम्मद अनस, इंशाल्लाह यू विल बी द नेक्स्ट मुनव्वर जमा फॉर द फ्यूचर, थैंक्स अ लॉट टू मुनव्वर जमा सर फॉर गिविंग अनस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, माशाल्लाह। सेकेंड मुनव्वर जमा, माशाल्लाह कड़ी मेहनत का नतीजा ऐसा ही होता है, ग्रेट वर्क छोटे जमा साहब, लग रहा है जैसे मुनव्वर जमा सर बोल रहे हैं। तो ऐसे कई सारे जो है कमेंट्स आए हैं उनकी वीडियोस के नीचे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर, वो लोग कह रहे हैं कि मुनव्वर जमा, ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर जमा सर खुद बोल रहे हैं जब अनस बोल रहा है। तो मैं जो है आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपको शुरू से पूरी बात बताता हूँ कि मेरे मुनव्वर जमा सर की एकेडमी में एक स्टूडेंट बनने से लेकर एक ट्रेनर बनने तक का जो मेरा सफ़र रहा वो सुनिए। सब लॉकडाउन का समय था, तभी जो है मेरे अम्मी के मोबाइल के ऊपर जो है मुनव्वर जमा सर की एक मोटिवेशनल वीडियो आई, जिसे देखकर मेरे अम्मी को ऐसा लगा कि अनस को भी जो है मुनव्वर जमा सर की एकेडमी में जाकर उनसे कुछ नॉलेज लेनी चाहिए, उनके बिहाफ में लेकर उसे बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी जो कि उसके फ्यूचर में उसे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अनस को जो है ये वर्कशॉप जो है अटेंड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमने जो है उनसे कॉन्टैक्ट किया। हम लोग हैदराबाद भी गए, मैं और मेरी अम्मी, हमने वर्कशॉप अटेंड किया और वर्कशॉप के लिए मुनव्वर जमा सर ने हमें जो है, हमारा बजट नहीं था उतने वर्कशॉप अटेंड करने का, बट उन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया। देन आफ्टर जब हमारी वर्कशॉप हुई तो मुझे एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला, दैट इज जेम ऑफ द वर्कशॉप, विच इज़ ओनली गिवन टू अ वन पर्सन, एक ही बंदा होता है जिसे मिलता है अवार्ड, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला। एंड दरमियान वर्कशॉप के दरमियान जो है एक VIP ट्रीटमेंट भी होता है, जिसमें जब आप एंट्री करते हो तो लोग जो है आपके ऑनर में आप खड़े हो जाते हैं, आपके लिए तालियां बजाते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, एंड देन स्टेज के ऊपर जो है आप जब जाते हैं तब आपको जो है किसी एक अवार्ड से नवाजा जाता है, जिसका जो है मुझे शर्फ हासिल हुआ। जी हाँ, मुझे भी VIP ट्रीटमेंट हुआ और उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील हो रहा था, बिकॉज मेरी लाइफ में ये पहला ऐसा मोमेंट था जब मैं चल रहा हूँ और सभी लोग मेरे लिए खड़े हो रहे हैं। और मुझे वो दिन अच्छे से अभी भी याद है कि जब मैं स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ, सभी लोगों को लग रहा था कि अनस आकर हमें कुछ मोटिवेशन देगा या फिर अनस कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें करेगा, बट उस वक्त मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था, मैं रो रहा था स्टेज के ऊपर खड़े खड़े, तो इसलिए मैं जो स्टेज के ऊपर रो रहा था एंड मैंने जो है अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस किए कि इतनी मेहनत करके मैं जो है यहाँ पर पहुँचा। एंड हमारे वर्कशॉप के दौरान में जो है बकरी ईद का, जो ईद उल अज़हा का जो हमारा फेस्टिवल होता है वो भी आया था, मैं और मेरे अम्मी ने वहीं पर वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए और मेरी जो स्पीच थी बकरी ईद की, कुर्बानी स्पीच, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी स्पीच बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब हमारी पूरी वर्कशॉप एंड हुई तो एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप मैंने एंकरिंग भी की थी, पूरे फेयरवेल और कॉन्वोकेशन डे की एंकरिंग मैंने की थी, मैंने अपने पेरेंट्स को जो है ऑनर करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे। तो जैसे ही हमारी वर्कशॉप खत्म हुई हम हमारे घर पर आए, आफ्टर दैट फॉर वन ईयर, एक साल तक किसी वजह से हमारा जो है मुनव्वर जमा सर या फिर उनकी टीम से कांटेक्ट ही नहीं हो पाया, ना वो लोग हमारा कॉल रिसीव कर सकते, होता है वो कभी बिजी हो सकते हैं अगली वर्कशॉप में, बट नॉट इवन सिंगल मैसेज जो है ना आया उन लोगों का, ना रिप्लाई आया। हमने बहुत कोशिश की उन तक पहुंचने की, बट इवन वी कांट रीच टू देम।
तो एट द एंड ऑफ द टाइम एक साल बाद जो है मनोवर जमा सर के चैनल पर मेरी वीडियो आई, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। तो ये जो बकरीद की वीडियो थी ये आई, कई सारे लोगों ने जो है इसे पसंद की, और जो मेरे अम्मी ने जो है वो स्पीच लिखी थी मैंने अपने अंदाज़ में उसे डिलीवर किया था और बहुत ज़्यादा वायरल गई थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। एंड उसी के एक साल बाद जो है मुनव्वर जमा सर का जो है खुद मेरे अम्मी को जो है फ़ोन आया। 20-25 मिनट जो है मेरे अम्मी ने उनसे बात की और फ़ोन पर उन्होंने कहा कि हम जो है अक्कलकुआ डिस्ट्रिक्ट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जामिया इस्लामिया शतुल उलूम जो मदरसा है बच्चों का वहाँ पे हम ये वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम अनस को एज अ ट्रेनर जो है हम इनवाइट करना चाहते हैं। और जी हाँ दोस्तों, वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए, मैं कहूँगा मेरी लाइफ की एक लाइफ टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ का, क्योंकि जब मैं अक्कलकुआ गया तो पहले तो मुझे एक ट्रेनर बनना है अपनी लाइफ में, इंटरनेशनल ट्रेनर। तो ट्रेनर कैसे बनते हैं उसकी ट्रेनिंग मुझे अक्कलकुआ में जो है मुनव्वर जमा सर की बिहाफ में मिली। उसके बाद जब मैं उस माहौल में, उस एटमॉस्फेयर, उस सराउंडिंग में रहा तो मेरा माइंडसेट और फिर मेरा जो काम करने का जोश जज्बा जुनून जो है ये पूरी तरह से डबल हो गया। मेरी जो है लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। मुझे समझ में आया कि आगे जाकर मुझे मेरी लाइफ में और क्या करना है, किस तरह से मुझे चेंजेस लाना है अपने अंदर और कौम के अंदर। और मैंने अक्कलकुआ में अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करा। जो स्टूडेंट्स थे उनको जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में मेरे से जितनी हेल्प हो सकी मैंने पूरा अपना 100% दिया। एंड उसके बाद मैं जो है रमज़ान के बाद 5 दिन बचे थे ईद मनाने के लिए, मैं अपने घर पर आया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद 5-6 दिनों के बाद फिर से जमा सर का कॉल आता है कि हैदराबाद में जो है हमारी एक बहुत बड़ी, अभी तक की जो है सबसे बड़ी वर्कशॉप होने वाली है समर कैंप में, जिसमें के 1000+ स्टूडेंट्स के जो है एडमिशन आए हुए हैं। नॉर्मली जो है 500-400 जो है स्टूडेंट्स, बट इस बार 1000 स्टूडेंट्स का जो है एडमिशन आया था, जो लेकर जो है हमने बहुत बड़ी वर्कशॉप करने वाले थे मुनव्वर जमा सर। उसके लिए उन्होंने मुझे एज अ प्रॉपर असिस्टेंट ट्रेनर बनकर जो है मुझे इनविटेशन के लिए उनका फ़ोन आया था। अब मैंने सोचा कि इतनी बड़ी वर्कशॉप होने जा रही है, ये वर्कशॉप और ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिस नहीं करना है। ये सोचकर मैं जो है अकेला ट्रैवल किया हूँ, ट्रेन में जाकर हैदराबाद तक का सफ़र मैंने तय किया। मैं हैदराबाद में गया, वहाँ पर रहने के बाद मैं अलग अलग मेरे सीनियर ट्रेनर से भी मैं मिला, जिनसे मुझे ट्रेन करने की, टीच करने की, जो कि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस करना है इसकी जो है मुझे कई सारी लर्निंग मिली, काफ़ी ज़्यादा सीखने मिला मुझे उन लोगों से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग माहौल में। कई सारे बिजनेसमैन वहाँ पे सीखने के लिए आए हुए थे, उनसे मुझे बहुत सारी लर्निंग मिली। और उस बड़ी वर्कशॉप के दौरान जो है मेरे कई सारे प्राउड मोमेंट्स भी रहे, जैसे कि जमा सर ने अगर मुझे कुछ टास्क दिया है स्टेज के ऊपर, मैंने कई सारे स्पीचेस जो है मैंने दी है वहाँ पे, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है, तो उस हिसाब से जो है जमा सर ने मुझे कई सारे कैश प्राइजेस दिए। एंड एंड ऑफ द वर्कशॉप कॉन्वोकेशन के दिन जो है, मतलब 1000+ स्टूडेंट तो थे, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे, यानी कि 1500+ जो है लोग मेरे सामने बैठे हुए थे। एंड मैंने जो है अपने बिहाफ के ऊपर, मैं कहूँगा मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे बेस्ट स्पीच अगर मैंने लिखी है तो वो मैंने तभी लिखी थी अपने हाथों से, अपने थॉट से, अपने थॉट प्रोसेस से, वरना पहले मैं अपनी अम्मी की तो हेल्प लेता ही था, बट इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ये काम किया। एंड उसके बाद मैंने स्टेज के ऊपर गया, अच्छी तरह से अपनी स्पीच डिलीवर की, लोगों को पसंद भी आई। एंड उसी की वीडियो जो है रिसेंटली मुनव्वर जमा सर ने अपलोड की, वही वीडियो जो है आज जो है अभी कुछ दिनों पहले जो है वायरल हो रही है, एजुकेशन का नशा। और उसी वीडियो के नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अनस इज़ द सेकेंड मुनव्वर जमा, एंड अनस इज स्पीकिंग लाइक एग्जैक्टली लाइक मुनव्वर। मैं नहीं बन सकता हूँ मुनव्वर जमा, क्योंकि मुनव्वर जमा सर की लाइफ में जितने भी अभी तक प्रॉब्लम्स आए थे, उनके स्ट्रगल के टाइम पे जिस तरह की प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया था, उस तरह की प्रॉब्लम्स को मैं फेस नहीं कर सकता। जिस तरह से उन्होंने अपने उस स्ट्रगल के टाइम को निकाला था, मैं उस तरह से उतना पावरफुली नहीं कर सकता। उनके अंदर वो जज्बा था, वो जुनून था, हालांकि अभी भी है, उनके अंदर वो जोश है, जुनून है, यहाँ तक कि वो जब भी किसी इदारों में जाते पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप के लिए, वो खुद जाकर जो है पहले नॉलेज प्रोवाइड करने की जो है कोशिश करते थे। कई सारे लोगों ने रिजेक्ट किया, कई सारे लोगों ने मना किया, और कुछ लोग तो ऐसे थे कि पूरे 40 दिन 40 डेज वर्कशॉप होने के बाद जो है पेमेंट देने से मना कर दिया, पेमेंट देने के लिए डीले कर रहे थे बार बार। लेकिन मुनव्वर जमा सर पीछे नहीं हटे ज़रा भी, इन्होंने कहा कि एजुकेशन को आगे लेके जाना है। तो उनके वो जो मोटिवेशन है, उनके जो चीज़ें, उनके जो थॉट है, वो आप उनकी वीडियोस में, उनके मोटिवेशनल टॉक्स में आज देख सकते हैं। मुनव्वर जमा जिस तरह से फेस कर पाते हैं वैसा कोई और फेस नहीं कर पाता, ना ही मैं ना ही आप। अगर मुझसे पूछो तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरा मुनव्वर जमा बन सकता है, मैं भी नहीं। तो मुझे जो है मेरी एक अलग इमेज बनानी है, मुझे जो है मेरी एक अलग पहचान जो है बनानी है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, लोग मुझे जाने कि ये है मोहम्मद अनस, इस तरह से लोग मुझे जाने। और मैं जो है
बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ कि मुझे मुनव्वर जमा सर जैसे जो है मेंटर अपनी लाइफ में मिले। उनके जो टीचिंग्स थे, उनके जो टीचिंग मेथड, जितनी भी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, वो मुझे यकीनन कहीं ना कहीं तो अपनी लाइफ में ज़रूर काम आने वाली है और काम आई भी है। जैसे कि मैं जब उनकी वर्कशॉप में एज अ स्टूडेंट था 2 साल पहले, तब जो है स्टेज के ऊपर मुझे कुछ बात करनी थी एंड आई वॉज फम्बलिंग, मैं जो है बोल नहीं पा रहा था, फिलर वर्ड्स जो है मैं कर रहा था स्टेज के ऊपर, तब जमा सर ने कड़क आवाज़ में जो है मुझे चिल्ला कर सबके सामने स्टेज के ऊपर कहा कि ऐसे बनोगे तुम मोटिवेशनल स्पीकर, तुम्हें इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बना, और स्टेज पे ऐसे करके तुम अटकते अटकते बात करोगे। तो वो जो लर्निंग थी, उसके बाद से जो है मैंने अपनी स्पीकिंग के ऊपर फोकस किया। ऐसा नहीं था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग आती, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले से पब्लिक स्पीकिंग आती थी, मैं मदरसों में जो है बयानात देता था, स्कूल में एंकरिंग स्पीचेस वगैरह बहुत ज़्यादा दिया हूँ, लेकिन उसके बाद बात को प्रेजेंट करने का एक अंदाज होता है, इंसान के वर्डिंग्स में, इंसान के फ्लो के अंदर जो है एक बहुत ही ज़्यादा अलग जो है इंप्रेशन होता है, वो मुझे मुनव्वर जमा सर की अकेडमी में जाने के बाद उनसे स्पेशली सीखने को मिली। सो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे मेरे लाइफ में मुनव्वर जमा सर जैसे टीचर मिले, एक सर मिले कि जिनके गाइडेंस में मैं जो है आगे बढ़ सकूँ। जज़ाकअल्लाह खैर।